किबला साजे साफ और यस मुसाफ के साहब जादे ने वाजिद अली काशिफ अली ने बलिए इत्तमाम किया है। इतना बड़ा इंतजाम और इंसराम करने का मकसद इनका दिखावा नहीं है, ना कोई इस गांव को बताना है कि हमने लाइटिंग की। इन्होंने एक पैगाम दिया, वो पैगाम क्या है? इन्होंने पैगाम दिया है कि हम अपनी खुशी के लिए हजारों रुपए लगाते हैं। शादी ब्याह होता है, लाइटिंग आजकल तो 4 दिन 10 दिन लाइटिंग लगी जाती है, हर तरह का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन्होंने ये पैगाम दिया, खुदा के बंदो, जिस हस्ती के सदके से तुम यहाँ बैठे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरों पे हुसन है, जिस हस्ती की वजह से चेहरे चेहरे नहीं बिगाड़े जा रहे, तमाम अक्वाम के हमारे अंदर है, लेकिन इसके बावजूद हमारे ऐबों पे पर्दा अगर पड़ा है तो हुजूर के सदके से पड़ा है। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, हम कोई नोखे बंदे हैं, नहीं, ये सिर्फ हुजूर की वजह से, हुजूर की वजह से। किबला तवज्जो है ना लामा साहब, किसकी वजह से? हुजूर की वजह से। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है कि हम लोग बड़ी लाडली लाडली वो कौम थी जिसके लिए मंसल आसमान से आता था, आज उनका नाम लेवा कोई नहीं है। आज दुनिया में आपने आपको मौत पर बड़े आला कौम में कौम समझते हैं, सिर्फ हुजूर की वजह से। तो फिर आप हस्ती के जिक्र में बैठे और चेहरों पे रौनक ना हो, मुस्कुराहट ना हो, तो फिर बैठने का फायदा नहीं है। हुजूर की आमद पे खुश हो, तेरा चेहरा भी खिला, तेरे सीने के अंदर भी सुकून हो, गए हम लोग उस महबूब की उम्मीद है जिसकी वजह से कायनात को बनाया गया। वैसे भी मैं टोले माई वाला नहीं है, नहीं कि जनाब इधर का टोला उधर का सुना के तुम खुश करके चले जावा। मैंने हुजूर का मिलाद का मिलाद का मिलाद का मिलाद का मिलाद का मुझे कुछ सुने ना सुने मुझे इससे गुजर दी। सुबह शाम मालिक ने ये ड्यूटी लगाई, तुझी रोज के भी बैज हो गए, मैं फिर भी पड़ जाना, ठीक है जी। लेकिन खुशों के बर्शों के खुदा के बंदा, ये मूवी भाई इस्माइल साहब बना रहे हैं, ये कुछ अर्सा के बाद 10 साल 20 साल रहेगी, एक्सपायर हो जाएगी बाबा जी, ऐसी है ना, ये तो मूवी खत्म हो जाएगी जो हम बनाते हैं। लेकिन एक वो मूवी है जो माशर के दिन तेरे सामने चलाई जाएगी, तो उसका तसव्वुर करना कि उस मूवी में तेरी चेहरे पे रौनक हो, फरिश्ते कहे मौला ये तो महबूब के जिक्र पे खुश बैठा। मैं अक्सर ये जुमला कहने में कोई आर महसूस नहीं करता, लामा साहब के कारी कुरान है, आपके इलाके के बड़ी मोहतबर शख्सियत है। मैंने जय्यदुल मकराम की मौजूदगी में भी ये जुमला कहा है कि दो बंदे ऐसे हैं जो मुझे बुरे लगते हैं बल्कि सबको बुरे लगते हैं। एक जिद्दी बंदा, जिद सिर्फ शैतान ने की, हुजूर का गुलाम जिद नहीं करता। एक 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 हुजूर की आमद पे अगर रोया पिटिया सिटके में मरियम औरंगजेब कह दी रो पिटो, वो सिर्फ शैतान पिटिया, बाकी सारे खुश रहे हुजूर की आमद। एक बारी हुन जरा खुश बैठा ना, एक बारी हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बाबा जी, बाबा जी, अब जिसके सीने में जितनी ताकत है ना, कहता है कि सबसे मेरे अंदर ताकत है, वो दोनों हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। चले ना ये चिरिंद परिंद मखलूक जितनी भी, मैं और आप हुजूर का जिक्र नहीं कर रहे, लामा साहब यहाँ पे हमारे साथ जमीन का जर्रा भी हुजूर के जिक्र में शामिल है, फरिश्ते भी शामिल है, यहाँ की फिजाएं भी हुजूर के जिक्र में हमारे साथ शामिल है। जो बाहर खड़े वो भी आ जाए, मेहरबानी करें आ जाए, आ जाओ या कार चले जाओ, बेहतर लंगर साजी साहब ने पहले खिला दिए सबको, ताकि सो जाने जावे। अब जरा एक बार खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, नहमदु व नसल्लु व नसल्लु व नसल्लु अला रसूलिल करीम, अम्माबाद, फौज बिल्लाह मिन शैतानिर रजीम, कल अल्लाह तआला फिल कुरान अल मजीद वरा फाना लका जिक्र।
तेरा जिक्र है, तेरी बात है, आका तेरी नात है। उल्मा इकराम भी तशरीह में तो जो है ना, ये बड़ा छोटा जुमला दे रहा हूँ, इसके अंदर अगर इसकी तशरीह में जाएंगे बहुत कुछ है कि तेरा जिक्र है, तेरी बात है, आका तेरी नात है। मेरा सुबह शाम ये काम है, आका तेरा नाम है, यही दिन मेरा, यही रात है, आका तेरी नात है। समझे नहीं, जो समझे ना हाथ उठा के बोलेगा सुबह, यही दिन मेरा, नमस्कार, यही दिन मेरा, यही रात है, आका तेरी नात है। और इब्राहिम फौजी साहब जुमला सुने कि दुनिया में मेरा नजरिया क्या है, बजम से यही पैगाम दिया है कि दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने भी लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने भी लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा, हम सबको मानते हैं, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद, वासन कलम तड़कत वैन वैन व अजमन मन कलम तलिद नसाउ खुल्क तम बर्रम मिन कुल्लिया बिल्लिया अन्ना कद खुल्क तम कमात सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर रहे, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर रहे, गुफ्तगु सरकार की कुरान की तफसीर है, सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर, अरे वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। आप जो खुश बैठा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के कह सुभान अल्लाह, सोचती तो होगी दुनिया, सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर, अरे वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। ये मूवी मैं दूंगा और जुमला सुन, मेरी और आपकी औकात का जुमला क्या है कि नासा नासा कि सादत के गौर और मिजाने मोहब्बत पे उन्हें तो रहा हूं, अरे छोटा हूं मगर बोल बड़े बोल रहा हूं, तारीफ है मोहम्मद में जबां बोल रहा हूं। अब जो खुश बैठा है ना हाथ उठा के बोलेगा सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के कह सुभान अल्लाह, नासा हूं नासा हूं कि सादत के गौर और मिजाने मोहब्बत पे उन्हें तो रहा हूं, अरे छोटा हूँ मगर बोल बड़े बोल रहा हूँ कि तारीफ है मोहम्मद में ज़बां खुल रहा हूँ, कि तारीफ है मोहम्मद में ज़बां खुल रहा हूँ। एक और शेर में आगे देखिए, आपको बढ़ना चाहता हूँ बुला तो साहब, आपसे तो जो नाम ये सारे साहब ने तीन माह पहले टाइम लिया है, मुझे बड़े महफलों के फोन है इस डेट पे, मैंने कहा यार उस बंदी की मोहब्बत है पांच माह से वो डेट में, तो मैं तो जो मैं चल अब जरा मौला अली दा मलंग बोले सुभान अल्लाह, जो अगर वो बैठे रहते तो शायद मैं जुमले ना बोलता, तो जो है एक जुमला दे रहा हूँ कि अनवारे खुदाबंदी से जो भी शनासा होगा, अनवारे खुदाबंदी से जो भी शनासा होगा वो मेरी सरकार के दीदार का प्यासा होगा, जिसको इस बार भी अजाज़े हुकूमत है मिला, हम के दरबार में आया लिए कासा होगा, दस्त कलबल में वजू खोर से करने वाला, हाँ यकीनन वो मोहम्मद का नवासा होगा, हाथ उठाएगा सुभान अल्लाह, हाथ उठाएगा सुभान अल्लाह, जो भी शनासा होगा वो मेरी सरकार के दीदार का प्यासा होगा, उसको इस बार भी अजाज़े हुकूमत मिला, हम के दरबार में आया
ये कैसा होगा दश्त करबल में बजू खुश करने वाला। हाँ यकीनन वो मोहम्मद का नवासा होगा दश्त करबल में बजू खुश करने वाला। हाँ यकीनन वो मोहम्मद का नवासा होगा। थोड़ा बहुत शुगल होना चाहिए ताकि आपके चेहरे पर रौनक आ जाए। फिर कहीं यार कुछ बैठा अजरा करो रूसिया भी बैठे चलो बोलेगा ना बोलेगा खान साहब हर बंदे बनना जिन्हों तो कोई शक हो ना बोले दूजा बोले जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मरना ना कोई शक नहीं शक नहीं शक नहीं। हुन हुजूर दा गुलाम कब्र च गया कब्र में जाने के बाद फरिश्ता हुजूर का दीदार करवाया। हर बंदे ने उसको गुस्ताख को हुजूर का दीदार नहीं होगा। फरिश्ता पूछेगा तू सस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहता था तो कबीला फौजी असलम साहब की औलाद इनके रिश्तेदार अहले देख कहेंगे कि मौला हम दुनिया में रहकर कहते थे कि लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया में रहकर कहते थे कि मौला मेरी जान मेरा औलाद मेरा माल हुजूर के नाम पर कुर्बान है। दुनिया में रहकर कहते थे कि ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया में रहकर कहते थे कि मौला बड़ा फाना नाका जिक्र मेरे नबी की अजमत आला है मेरे नबी का है मेरे नबी की शान आला है मेरे नबी का मर्तबा है मेरा नबी दो जहानों का सरदार है। मौला दुनिया में भी अकीदा था कि नबी के लिए कायनात को बनाया गया। मौला जब बाहर नहीं आता था सभी मोहल्लों को सजा कर मैं कहता था आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा सभी मोहल्लों को सजा कर कहता था जबाल मौला हुजूर के नाम पर कुर्बान है। मौला दुनिया में जिया नबी के नाम पर कब्र में आया तो नबी के दीदार के लिए आया वो हाथ उठाया। तो कह एक सकती है जो कहता कब्र में जाऊं हुजूर का दीदार हो इससे पहले कि मैं कहूं कि मैंने मेरे आका कहे ये मेरा है वो हाथ उठाए सो वो हाथ उठाए अब हाथ नीचे दोनों हाथ उठा के कहा चला अकीदा हमारा क्या है।
हम इस अकीदे के मालिक हैं कि लखा लखा जमाने आए नबी पर महबूबे खुदा जिया एक भी नहीं ते लखा सोने पर मरवाएंगे पराका तेरी खांगे बाजे एक भी नहीं दोनों हाथ उठाएंगे जो हजूर का होगा आला हजरत ने फरमाया आखिर जान जुमला आखिर जान खत्म सुखन इस पे कर दिया खाली का बंदा खाने का माला कहां तुझे दोनों हाथ उठा के ले हाथ वो उठाए सर अब हाथ उठा के गए मैं समझा आजम बट्टू साहब पूछना हाँ जी फोटोकॉपी ये सुखी फोटोकॉपी चलो जी अल्लाह सलामत रखे हमने